रेगुलर अमाउंट अगर एक रेगुलर इंटरवल पर विड्रॉ किया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज की वीडियो का डिस्कशन है। इररेगुलर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलर अमाउंट का मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट होगा और रेगुलर इंटरवल पर उसको विड्रॉ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर अमाउंट भी फिक्स है 5,000 से न कम न ज़्यादा, हर महीने 5,000 निकाला जाएगा। एक बात, दूसरी बात कि हर महीने की पहली तारीख को, तो जो टाइम पीरियड है विड्रॉ करने का वो भी सेम है, हर महीने एक ही तारीख है, वो बदल नहीं रही है, तो अमाउंट भी फिक्स होगा और टाइम इंटरवल भी फिक्स होगा। ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बड़ा आसान हो जाता है और उसमें हम लोग एवरेज पीरियड मेथड को अपनाते हैं। तो एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए आपको पहले टोटल ड्राइंग्स लिखना पड़ेगा, जितनी भी पूरे साल में ड्राइंग की गई है। मान लीजिए 5,000 रुपये आप पूरे साल विड्रॉ करते हैं तो 12 महीने में आप 60,000 रुपये विड्रॉ करेंगे, तो टोटल ड्राइंग का मतलब यहाँ 60,000 लिखना है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखा जाएगा। वो क्वेश्चन में होता है, जो भी हो 10%, 5%, 6%, 8%, वो परसेंट यहाँ लिखेंगे। चूंकि ये परसेंटेज है इसलिए अपॉन 100 करना इसमें जरूरी है। उसके बाद इसमें एक जो चीज ऐड करनी है एवरेज पीरियड मेथड है, वो है एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये एवरेज पीरियड क्या होता है, इसको हमें कैलकुलेट करना और इसको निकालना सीखना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड का मतलब ये होता है कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। डिवाइडेड बाय, चूंकि एवरेज है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी चीज का जब आप एवरेज निकालते हैं तो जितनी नंबर होते हैं उस नंबर से डिवाइड करना होता है। यहां पर दो नंबर है आपके पास, दो फिगर है, एक है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एक, और दूसरा है मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये कैलकुलेट करके जो एवरेज पीरियड आएगा वो पीरियड आपको यहां पर पुट करना है, तब जाकर के आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आपको ये मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए पहले हमें एक अकाउंटिंग पीरियड लेना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च हो सकता है, ज्यादातर 1 अप्रैल से 31 मार्च का एक पीरियड लिया जाता है। तो अगर हम एक पीरियड ले लें यहाँ पर समझाने के लिए, 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2021, ये एक पीरियड है, ठीक। अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर विड्रॉ किया जा रहा है तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि पहले ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने में। तो एक सवाल छोटा सा ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे 5,000 विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में 5,000 रुपये आपने निकाला, यहां पर ध्यान देने वाली बात है बिगिनिंग, ठीक है, और ईच मंथ। अब इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है वो इंटरेस्ट आपको निकालना है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये पूरा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया, 5,000 रुपये हर महीने के शुरू में निकाला गया है, इसके ऊपर 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। इस केस में एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपने हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया होगा। यहाँ पर जो पीरियड मैंने लिया है वो ये है 1 अप्रैल टू 31 मार्च इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हर महीने की पहली तारीख को आपने लिया है, पीरियड आपका शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, तो आपने पहली ड्राइंग जो की होगी वो 1 अप्रैल को की होगी, ओके। आप इस तरीके से जब आप करते हो चलेंगे 12 महीने तक, तो आखिरी ड्राइंग आपने जो की होगी वो 1 मार्च 2021 को की होगी, और ये पहली ड्राइंग 2020 को आपने की,
तो पहली ड्रॉइंग के बाद जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है उस डेट तक कितने महीने हो रहे हैं, तो पूरा अप्रैल, क्योंकि एक अप्रैल है तो पूरा अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने आपके हो रहे हैं, जो कि यह मंथ्स लेफ्ट आफ्टर ड्रॉइंग में आएंगे। ये हो जाएगा 12 मंथ्स, ओके, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12 मंथ्स हो गया। आखिरी जो ड्रॉइंग आपने की है वो फर्स्ट मार्च को की है, तो फर्स्ट मार्च के बाद 31 मार्च तक एक ही महीना बच रहा है, एक मार्च से 31 मार्च तक वो लास्ट वाला महीना है, वो हो गया एक महीना, ठीक है। अब अगर आप एवरेज इसका निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे 12 + 1/2, यानी इसको आप देखें तो ये हो गया 13, और एवरेज करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 यानी 6.5। तो ये हो गया आपका एवरेज पीरियड। जब आप फार्मूले में पुट करेंगे तो इस एवरेज पीरियड को यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो आपको पूरे साल की ड्राइंग निकालनी पड़ेगी, टोटल ड्राइंग ये है 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू एवरेज पीरियड जो आपने कैलकुलेट किया ये 6.5/12, क्योंकि ये पीरियड है इसलिए इसको करेंगे। इसको सॉल्व करके आप देख लेते हैं इसका कितना अमाउंट आता है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो उसे कट जाएगा 300, फिर ये हो गए 1950, ये आ गया 1950, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया इस 60,000 रुपए की ड्राइंग पर, जबकि ड्राइंग हर महीने के शुरू में की गई थी और रेट ऑफ ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट है वो 6% लगाया गया। आइए दूसरा केस देख लेते हैं, जबकि एक ही अमाउंट हर महीने के मिडिल में विड्रॉ किया गया है, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, सेम अमाउंट है, सिर्फ चेंज मैंने यहाँ पे कर दिया मिडिल, बिगनिंग की जगह मिडिल कर दिया है। 5,000 विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये केस टू है, पहला केस हमने बता दिया है अभी। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब मिडिल ऑफ द ईच मंथ की बात हो रही है तो मिडिल का मतलब महीने की 15 तारीख, 15 या 16 भी हो सकती है। तो सबसे पहली ड्राइंग आपने मिडिल ऑफ द मंथ की बात हो रही है तो कब की होगी, वो की होगी 15 अप्रैल को या 16 अप्रैल भी हो सकता है, तो 15 अप्रैल को आपने की है। अब 15 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने बाकी रह गए, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, 15 अप्रैल यानी आधा महीना हटा दीजिए तो आप पूरे 12 महीने में हाफ निकाल देंगे तो 11.5 यानी 11.5 महीने बचे रह गए। फिर इसके बाद जो आखिरी ड्राइंग आपने की होगी, क्योंकि हर महीने की 15 को आप कर रहे हैं, तो ये आपने की होगी 15 मार्च को, तो 15 मार्च से फिर 31 मार्च तक हाफ मंथ बचा रहा यानी 0.5, ठीक है। तो अगर आप इसकी एवरेजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और एवरेज पीरियड हो जाएगा 12/2 यानी 6 मंथ आपका एवरेज पीरियड आ गया। तो आप यहां पर सॉल्यूशन में गन करेंगे तो सॉल्यूशन में इसको पुट कर देंगे पूरा 60,000 जो कि टोटल ड्राइंग है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इनटू 6/12, ये 6/12 ये वही वाला 6 है जो आया है और ये 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2 और ये 2 से कट गया 3, ये हो गया 1,800। तो ये आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में आई 1,800, जबकि विड्रॉ आप करते थे महीने के बीच में। अब तीसरा केस है महीने के लास्ट में अगर आप विड्रॉ करते हैं तब क्या होता है, तो इसी में तीसरा केस ये है कि हर महीने के एंड में विड्रॉ किया जाता है पूरे साल तक। तो चलिए देख लेते हैं कैसे उसको करते हैं। यहाँ पर भी वही एवरेज पीरियड आपको निकलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए पार्टनर विड्रॉस ₹5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो एक पार्टनर है जो पूरे साल हर महीने के एंड में ₹5,000 ड्रॉ कर लेता है और जो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2021 को हो रहा है, इसका मतलब पीरियड शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 से, एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो इसके लिए हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो जो सबसे पहला महीना था
वो अप्रैल था, अप्रैल के एंड में उसने विड्रॉ किया होगा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन के तौर पर एवरेज पीरियड निकाल के देख लेते हैं, तो पहली ड्रॉइंग उसने की होगी 30 अप्रैल को, सबसे पहला जो ड्रॉइंग उसने किया होगा 30 अप्रैल को किया होगा, क्योंकि एवरेज पीरियड के लिए हमें चाहिए पहली ड्रॉइंग के बाद का पीरियड। तो पहली ड्रॉइंग हम देख लेते हैं कब किया उसने, 30 अप्रैल को किया, और आखिरी ड्रॉइंग कब किया होगा, आखिरी महीने के आखिरी डेट में, यानी 31 मार्च को, 31 मार्च। तो पहली ड्रॉइंग इसने की थी 30 अप्रैल 2020 को, और आखिरी ड्रॉइंग इसने की होगी 31 मार्च 2021 को। तो पहली ड्रॉइंग के बाद कितना पीरियड है, अप्रैल के एंड में है, इसका मतलब अप्रैल हटा दीजिए तो बचा 11 महीना, यानी 11 मंथ हुआ ये फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद का पीरियड, और आखिरी ड्रॉइंग किया है 31 मार्च को, तो इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को एंड हो जा रहा है, यानी ये जीरो हो गया, तो टोटल हो गया 11। इसका एवरेज पीरियड अगर आप निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज विल बिकम 11/2, यानी 5.5। ये एवरेज पीरियड है जो आप फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूला पुट कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं टोटल ड्राइंग्स कितनी है, टोटल ड्राइंग्स 5000 × 12 यानी 60,000। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 6%, 6/100। इसके बाद एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड क्या है, जो अभी आपने कैलकुलेट किया वो है 5.5 × 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ये तो जीरो कट गया, तो उसे ये भी कट जाएगा, हो जाएगा 300, और इसको हम 1650, 1650 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है 60,000 रुपए की ड्राइंग्स पर, अगर हर महीने के एंड में विड्रॉ करते हैं तो। अब आइए हम लोग दूसरा केस देखते हैं, तो तीन केस हम लोगों ने देख लिया है, जब हर महीने ड्रॉ होता है, हर महीने ड्राइंग की जाती है, बिगिनिंग में, एंड में और मिडिल में। अब आइए हम लोग क्वार्टर पे देखते हैं, अगर क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है, क्वार्टरली का मतलब तीन तीन महीने पर हो रही है, तीन महीने के पीरियड को क्वार्टर कहते हैं, तो उसमें भी वही बात होती है कि क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रही है ड्राइंग, क्वार्टर के मिडिल में हो रही है, या क्वार्टर के एंड में हो रही है, ये तीन केस इसमें भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एवरेज पीरियड निकालने के लिए वही फार्मूला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, ये है क्वेश्चन, ये चौथा पॉइंट है, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एक साल में चार क्वार्टर होते हैं, तीन तीन महीने के का एक क्वार्टर होता है, तो अगर आप 12 महीने को डिवाइड करेंगे तीन से तो चार क्वार्टर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि एक पार्टनर है जिसने 5000 रुपए पर क्वार्टर विड्रॉ किया है, हर तीन महीने में 5000 निकाला है, कब निकाला है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, हर तीन महीने के शुरू में निकाला है, बिगिनिंग का केस है ये, और जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2021 को हो रहा है, इसका मतलब ईयर का जो शुरू पीरियड रहा होगा, जो ईयर शुरू हो रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो एवरेज पीरियड यहां पे भी निकालना होगा, एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, देखें कैसे निकलता है। पहले समझ लीजिए कि ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब की गई होगी, तो पहली ड्राइंग क्वार्टर के बिगनिंग में की जा रही है, पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक, अप्रैल मई जून, तीन महीने का एक क्वार्टर होता है, तो पहले 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर होगा 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर होगा अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और चौथा क्वार्टर होगा जनवरी से लेकर मार्च तक, यानी 1 जनवरी से 31 मार्च तक। तो पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर ड्रॉ किया गया है तो, यानी 1 अप्रैल को ड्रॉ किया गया है, 1 अप्रैल 2020 ये विड्रॉ किया गया इस डेट को, ठीक। उसके बाद हर महीने किया जा रहा है, अब हमें आखिरी ड्रॉइंग को देखना, आखिरी ड्रॉइंग कब की गई होगी, आखिरी क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो आखिरी क्वार्टर अभी मैंने आपको बताया, जो लास्ट क्वार्टर है वो शुरू हो रहा है जनवरी से, 1 जनवरी से 31 मार्च, ये लास्ट क्वार्टर है, तो लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में की गई, इसका मतलब 1 जनवरी को की गई, तो
जो लास्ट ड्राइंग है वो आपकी जनवरी 21 में है। ठीक, अब ये देखिए कि पहले ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा। तो पहले ड्राइंग 1 अप्रैल को किया है तो पूरा पीरियड यानी 12 महीने बचे, इसके बाद 12 मंथ्स बचा, और आखिरी ड्राइंग जो की है क्वार्टरली हो रही है तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 3 महीना बचा। ठीक, यानी 15। अब इसका एवरेज निकालेंगे आप तो एवरेज इसी तरीके से निकल जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू 15/2 बराबर 7.5, 7.5 साढ़े 7 महीना ये एवरेज आ गया। तो इस 7.5 को आप फार्मूले में पुट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, याद ध्यान रखिएगा ये क्वार्टरली ड्राइंग है और मैंने बताया कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5000 × 4 होगा, 12 से मत कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 टोटल ड्राइंग हो जाएगी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड जो अभी आपने कैलकुलेट किया है वो 7.5/12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है, हम सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 से ये भी कट के ये 100 हो जाएगा और 1, 2, 0 ये हो गया, फिर ये हो गया 7.5 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो ये 750 आ जाएगा। 20,000 का अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 750 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया इस केस में। अभी तक मैं 4 केस बता चुका हूँ, 5वां केस देखते हैं हम लोग। ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर 3 महीने के बीच में विड्रॉ किया जाता है। तो क्वेश्चन इसका मैंने बनाया हुआ है, ए पार्टनर विड्रॉस ₹5,000 पर क्वार्टर एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 6%। हर 3 महीने के बीच में ड्रॉ कर रहा है। अब आइए इसका हम लोग एवरेज पीरियड निकाल के देख लेते हैं। तो पहला क्वार्टर जो है वो है 1 अप्रैल से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 30 जून तक पहला क्वार्टर है। अब इस क्वार्टर के बीच में यानी इस 3 महीने के बीच में, तो 3 महीने के बीच में कौन सा डेट आएगी, वो आएगी 15 मई, 15 मई, क्योंकि 3 महीने का जो पीरियड है वो अप्रैल मई जून है। तो अप्रैल का 1 महीना और आधा महीना मई का, जब आप 1.5 महीना लेंगे तो आएगी 15 मई। तो 15 मई की आप की जो डेट होगी वो मिडिल ऑफ फर्स्ट क्वार्टर होगी। तो पहली ड्राइंग जो होगी आपकी वो 15 मई को होगी, 15 मई 2020। इसके बाद आखिरी जो ड्राइंग होगी, चूंकि हर 3 महीने के मिडिल में आप कर रहे हैं, हमें बीच से मतलब नहीं है, हमें आखिरी ड्राइंग से मतलब होता है, पहली ड्राइंग से मतलब होता है। तो आखिरी ड्राइंग इसी तरीके से लास्ट क्वार्टर के मिडिल में होगी। जो लास्ट क्वार्टर है वो 1 जनवरी से 31 मार्च तक है, ध्यान रखिए जनवरी से 31 मार्च। तो जनवरी से 31 मार्च में 3 महीने का आधा 1.5 महीना अगर आप करेंगे तो वो आएगा जनवरी 1 महीना और आधा महीना फरवरी का, यानी फरवरी 15। तो आखिरी जो ड्राइंग होगी वो होगी फरवरी 15, 2021। ये 2 ड्राइंग आपको पता चल गई, पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बच रहा है 31 मार्च तक, तो पहली ड्राइंग आपने जो 1.5 महीने बाद की है और उसके बाद आखिरी तक जो आप 31 मार्च तक पीरियड निकालेंगे तो आएगा 10.5 यानी 10.5 महीना, 10.5 मंथ्स पहली ड्राइंग के बाद। और आखिरी ड्राइंग जो आपने 15 फरवरी को की है, इससे आखिरी डेट तक कितना महीना बचेगा, 15 फरवरी से 31 मार्च ये भी 1.5 महीना बच रहा है, 1.5 मंथ। इसका टोटल हो गया 12 मंथ्स। एवरेज निकाल लेंगे आप इसका, एवरेज एवरेज इक्वल टू 12/2 यानी 6 आ गया एवरेज। इसी को आपको फार्मूले में पुट करके सॉल्व करना है। तो पहले आप टोटल ड्राइंग लिखेंगे, 5000 हर क्वार्टर को ड्रॉ किया जा रहा है तो 4 क्वार्टर में 20,000 हो जाएगा, 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये आ गया 600। तो इस तरीके से ₹600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ अगर से हर 3 महीने के बीच में ₹5,000 विड्रॉ किया जाता है। तो अब इसी तरीके से हम लोग दूसरी कंडीशन, अगली कंडीशन देखेंगे जिसमें हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया जाता हो तो क्या होता है। तो ये क्वार्टर वाले में
तीसरा केस जो कि टोटल अभी तक छठवां केस हो चुका है हमारा, सिक्स केस में यह है कि फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में आप ड्रॉ करते हैं तो उस पर ड्रॉइंग कैसे इंटरेस्ट कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन हमने ले लिया है, ए पार्टनर विड्रॉज 5000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पहले क्वार्टर में ड्रॉइंग कब की गई, पहले क्वार्टर में ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द क्वार्टर की गई है। पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून तक है, इसको हम लोग दोनों क्वेश्चन में देख चुके हैं इसके पहले। तो पहली ड्रॉइंग जो हुई होगी वो 30 जून को हुई होगी, 30th जून, वो लिख लेते हैं हम, पहली ड्रॉइंग 30 जून 2020 को हुई है। इसके बाद आखिरी ड्रॉइंग इसी तरीके से 30 जून को हुई होगी, फिर 30 सितंबर को हुई होगी और 31 दिसंबर को हुई होगी, और आखिरी क्वार्टर में जो ड्रॉइंग हुई होगी वो भी आखिरी में हुई होगी। तो जो लास्ट क्वार्टर में जो लास्ट ड्रॉइंग हुई है वो 31 मार्च 2021 को हुई है। तो आखिरी ड्रॉइंग 31 मार्च 2021, ठीक है। पहली ड्रॉइंग 30 जून को हुई है क्योंकि पहले क्वार्टर के एंड में, और आखिरी ड्रॉइंग आखिरी क्वार्टर के एंड में हुई है 31 मार्च को। तो पहली ड्रॉइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं आपके, 30 जून तो खत्म हो गया, पूरा 3 महीना चला गया, अप्रैल मई जून गया, बचा हुआ महीना 30 जून से लेकर 31 मार्च तक सिर्फ 9 है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इज 9। अब उसके बाद मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, आखिरी ड्रॉइंग के बाद कितना महीना बचा, आखिरी ड्रॉइंग के बाद कुछ नहीं बचा क्योंकि आखिरी ड्रॉइंग एकदम लास्ट डे में हो रही है अकाउंटिंग ईयर की, वो है 31 मार्च। तो 0 यहां पर कोई पीरियड नहीं बचा। अब आप इसका एवरेज निकाल लीजिए, इसका एवरेज आएगा 9/2 यानी 4.5 मंथ्स। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही एवरेज पीरियड आप लिखेंगे। तो टोटल ड्रॉइंग 20,000 हो जाएगी क्योंकि 5,000 रुपये हर क्वार्टर है, तो 4 बार आपने ड्रॉ किया है, 20,000 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, एवरेज पीरियड 4.5/12। इसको सॉल्व करते हैं हम, ये कट गया, ये भी कट गया, 2 से फिर इसको भी काट दो तो ये हो गया 100। इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई तो ये आ गया 450। तो 20,000 रुपये की ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट आपका 450 बन रहा है अगर हर क्वार्टर के एंड में अमाउंट विड्रॉ किया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे उस ड्रॉइंग की जो पूरे साल निकाली जाती हो, लेकिन अगर ड्रॉइंग सिर्फ 6 महीने तक निकाली गई हो, पूरे साल नहीं निकाली गई हो, तो उस केस में क्या होता है, एवरेज पीरियड उसमें एक कंसर्न होगा, कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो देखते हैं, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स ओनली व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड क्या होगा, कैसे होगा। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, वो वैसे ही लिखी जाएंगी, सिर्फ एवरेज पीरियड ही आप अगर निकालना सीख जाएंगे तो उसको पुट कर देंगे और आसानी से इंटरेस्ट निकल जाएगा। एवरेज पीरियड क्या होगा, अब यहाँ पर भी वही बात है कि 6 महीने तक तो निकाली गई है ड्रॉइंग, हर महीने के शुरू में निकाली गई है या बीच में निकाली गई है या एंड में निकाली गई है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। अगर ड्रॉइंग हर महीने के बिगनिंग में की गई है तो एवरेज पीरियड 3.5 हो जाएगा या 3.5 महीना हो जाएगा। अगर ड्रॉइंग हर महीने के बीच में की जा रही है, मिडिल ऑफ द मंथ, तो उस केस में एवरेज पीरियड 3 मंथ्स हो जाएगा। अगर ड्रॉइंग हर महीने के एंड में की जा रही है तो उस केस में एवरेज पीरियड 2.5 या 2.5 महीना हो जाएगा। अब आप ये 3.5, 3 और 2.5 किस तरीके से आ रहा है, इसको भी उसी तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं जैसे मैंने पिछले सारे एग्जांपल्स में बताया है। ये 3.5 इस तरीके से आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप देखेंगे कि पहले महीने की ड्रॉइंग के बाद बाकी का कितना महीना बच रहा है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पूरा साल नहीं लेंगे क्योंकि ड्रॉइंग 6 महीने तक हो रही है। तो पहली ड्रॉइंग, जैसे मान लीजिए जो अकाउंटिंग ईयर है वो आपका अप्रैल से मार्च तक है, तो पहला 6 महीना आपने ड्रॉइंग किया है वो 1 अप्रैल से लेकर के आप 6 महीने तक आपने की होगी, वो होगा 30 सितंबर। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने तक ही आपने ड्रॉ किया, उसके बाद आपने ड्रॉ नहीं किया है। तो इसी 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के पहले दिन ही आपने ड्रॉ किया है हर महीने की बिगनिंग में, तो पहले अप्रैल को आपने किया होगा, फिर 1 मई को किया होगा, 1 जून, 1 जुलाई, 1 सितंबर,
तक किया होगा, क्योंकि 30 सितंबर तक ही लेना है, 6 ड्राइंग आपने की होगी, तो पहले ड्राइंग के बाद आपके पास जो महीना बच रहा है वो 6 बच रहा है, 6 बच रहा है। हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता सकते हैं, 6 आप पहले ड्राइंग के बाद 6 मंथ बच रहा है अगर आप ये वाला केस लेते हैं तो, और आखिरी ड्राइंग आपने की होगी 1 सितंबर को, तो आखिरी ड्राइंग के बाद 1 महीना बच रहा है सिर्फ, वो हो जाएगा 1। अब आप एवरेज जब इसका निकालेंगे तो ये आएगा 3.5 या 3.5, ये आ जाएगा जो मैंने यहाँ बताया। इसी तरीके से अगर मिडिल ऑफ द मंथ आप लेके चलेंगे तो पहले महीने का जो मिडिल होगा वो 15 अप्रैल होगा, तो 15 अप्रैल के बाद से बचा हुआ पीरियड आपके पास जो बचेगा वो होगा 5.5, 5.5 महीना बचेगा, और आखिरी महीने जो आपने ड्राइंग की होगी वो की होगी 15 सितंबर, तो आखिरी महीने की ड्राइंग के बाद आपके पास सिर्फ 15 दिन बचेगा, यानी हाफ मंथ बचेगा। तो उसके लिए ये हो जाएगा 5.5 पहला महीना और आखिरी महीने के बाद आपके पास 0.5, इसको आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 5.5 पहले महीने की ड्राइंग के बाद बचा हुआ पीरियड और 0.5 आखिरी महीने की ड्राइंग के बाद बचा हुआ पीरियड, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 6 6/2 यानी 3, एवरेज पीरियड आ जाएगा 3। इसी तरीके से आखिरी पीरियड जो आखिरी वाला केस है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो पहले महीने की जो ड्राइंग होगी फर्स्ट मंथ की ड्राइंग आपने की होगी महीने के एंड में यानी 30 अप्रैल को की होगी, तो 30 अप्रैल के बाद बचा हुआ पीरियड आपके पास सिर्फ 5 महीना बचता है, 5 months, और आखिरी महीने की जो ड्राइंग आपने की होगी वो आखिरी महीने के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर को की होगी, तो 30 सितंबर से 30 सितंबर तक 0 पीरियड हो जाएगा, हो जाएगा 0/2, ये हो जाएगा 2.5 months जो कि मैंने यहाँ बता रखा है आपको। तो बस इसमें एवरेज पीरियड का आप ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीजें टोटल ड्राइंग यहाँ पर 6 महीने की सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 महीने ही आपने ड्रॉ किया है, 2,000 रुपया आपने 6 महीने किया है, तो 2 × 6 यानी 12,000 रुपया हो जाएगा, तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके लिए मैं कोई क्वेश्चंस नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले के हम 6 क्वेश्चन पहले ही लगा चुके हैं, तो सारी चीजें हैं, रिपीटिशन ही होगा, सिर्फ इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकल सकता है वो मैंने बता दिया है, बाकी सब चीजें वही है। तो इसके बाद हम लोग 8वें केस पर अब आते हैं। 8वें केस में ये है कि इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, ड्रॉइंग कब की गई है यही नहीं पता है, तो ऐसे केस में आपको पीरियड निकालने के लिए प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर एक एजम्पशन होता है, वो एजम्पशन ये होता है कि उस केस में आप एवरेज पीरियड 6 महीने का ले लेंगे अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती है। तो उसको समझने के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% कैलकुलेट करना है, ईयर आपका एंड 31 मार्च 2021 को हो रहा है। पहला केस, इसमें 2 केस है, एक तो ये कि पूरी ड्राइंग एक बार में कर ली गई हो लमसम में, जैसा कि केस 1 है, इफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 12,000 या साल में 12,000 की ड्राइंग की गई है, कब कब कितनी की गई ये नहीं मालूम है, ओवरऑल 12,000 हुई है, इसमें डेट नहीं मालूम है, कब कब कितनी ली गई है, 12,000 एक बार में निकाल ली गई या अलग अलग निकाली गई, ये कुछ नहीं पता है आपको। तो उस केस में ये 12,000 पे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालेंगे तो पीरियड 6 months एज्यूम कर लेंगे, तो सॉल्यूशन हम करते हैं इसको, ये हो जाएगा 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10/100, एवरेज पीरियड आप 6 लेंगे तो ये 6/12 हो जाएगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी 600 आ रहा है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, आप भी कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। तो ये 600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया इस केस में। दूसरा केस देख लेते हैं हम लोग, उसी उस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आ सकता है कि इफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 1,500 पर मंथ, 1,500 हर महीने ड्राइंग की गई है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये ड्राइंग कब की गई है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, मिडिल ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ है, ये नहीं पता है आपको, तो उस केस में भी आप एवरेज पीरियड 6 months ले लेंगे। और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको 1,500 पर मंथ, पूरे साल की ड्राइंग कितनी हो जाएगी टोटल ड्राइंग, एक पूरे साल की ड्राइंग हो जाएगी 18,000, 1,500 × 12, 18,000 ड्राइंग हो जाएगी पूरे साल की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर 10 है, एवरेज पीरियड आपको लेना है 6, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग, तो ये 900 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया इस केस में भी। अब यहाँ पर बिल्कुल अब लोग आखिरी केस में पहुंच चुके हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में, ये लास्ट केस है। ये केस क्या है, When the rate of interest is given without per annum, यानी rate of interest तो दिया हुआ है लेकिन उसके आगे per annum या P
डॉट ए डॉट नहीं लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि आप जितना अमाउंट होता है ड्राइंग का उस पर सीधे जितना परसेंटेज निकाल देंगे विदाउट कंसिडरिंग एनी टाइम फैक्टर। इसके पिछले वाले केस में तो आपने देखा था कि उसमें टाइम फैक्टर है लेकिन उसमें पाना नाम है, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा है कि कब कब निकाला गया, ड्राइंग कब की गई, ये नहीं था। लेकिन इस केस में पर एनम वर्ड नहीं है, इंटरेस्ट के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड है ही नहीं, तो आपको टाइम फैक्टर कंसिडर ही नहीं करना है। बिल्कुल फ्लैट जितना परसेंट कहा गया उतना परसेंट निकाल दीजिए, इग्नोर टाइम, टाइम को छोड़ दीजिए आप। तो 20,000 रुपया इस केस में देखिएगा कि बी ने ड्राइंग की है, उस पर 10% इंटरेस्ट लगाना है। यहाँ पर एनम वर्ड नहीं है, इस बात को गौर से देखिएगा, पर एनम नहीं लिखा है, सिर्फ 10% लिखा है। तो सीधा 10% बस आप निकाल दीजिए, कोई टाइम कंसिडर करना ही नहीं है इसमें। तो 20,000 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 20,000 जो कि ड्राइंग है और इस पर 10% आप निकाल लीजिए, ये हो गया 2,000। तो 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधे सीधे आपकी हो जाएगी विदाउट कंसिडरिंग एनी टाइम फैक्टर। इस तरीके से हमने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेगुलर और इरेगुलर दोनों केस में बता दिया। इरेगुलर मैंने पिछली वीडियो में बताया था और रेगुलर ड्राइंग के केस में मैंने इस वीडियो में बताया है, जो कि 9 पॉइंट थे, उसके 9 डिफरेंट तरह के केसेस हो सकते थे। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रही होगी आपके लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।